अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली। दुआ करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक करे आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिलीज़ के साथ हंसते और मुस्कुराते हुए अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन या रब। तो आज है जुम्मा मुबारक, आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। तो आज का व्लॉग हमारा यहीं से स्टार्ट है और जो भी डेली की रूटीन होगी वो भी आप सबके साथ शेयर करेंगे। और दो तीन दिन से मौसम जो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, बादल बने हुए, आज तो गहरे काले बादल बने हुए हैं, तो दुआ करें कि बारिश ना हो। तो देखते हैं कि क्या होता है। काफ़ी लोगों की गंदम अभी पड़ी हुई है, संभालने वाली वो भी संभालने हैं, तूड़ियाँ जो है ना वो भी संभालने अपनी। तो अल्लाह रहम करे और रहमत की बारिश हो। और ये जो तूफ़ानी बारिशें बता रहे हैं, जो तूफ़ान आ रहे हैं जिसमें काफ़ी जो गरीब लोग हैं उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। किसी की शमशी प्लेटें जो होती हैं सोलर वाली वो जो है ना टूट गई हैं, किसी की छतें उड़ गई हैं, किसी की दीवारें गिर गई, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुए हैं। तो अल्लाह पाक करे, अंधेरी आए तो सुकून वाली आए और बारिश भी आए तो सुकून वाली आए, अल्लाह की रहमत वाली आए बस। और माशाल्लाह ये तख्तियाँ भी बनकर आ गई, एक जो है ना नलका भी फिट हो गया है और उसका खुरा वगैरह भी बन गया है सब कुछ। और बाकी जो दूसरा नलका है वो भी आज जुम्मा है तो मेरे ख्याल से कल या परसों तक वो भी उसका काम भी शुरू करेंगे। और यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम जो है ना वो हो गया है ख़राब, तो वो नहीं बना अभी तक। और आईडी भी हमें याद नहीं हमने किस नाम से बनाया था, और उसके कुछ अकाउंट वगैरह होते हैं वो नहीं याद किस से बनाए थे। तो आज जो है ना मैंने अपने हस्बैंड का इंस्टाग्राम आईडी दिया है और आप जो है ना वहाँ पर हमसे रब्ता करें और हम आपको बताएंगे कि आपका काम जो है ना कहाँ तक पहुँचा अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक जो वहाँ पर लगा है तो आज मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ पर जाऊँ और आपको दिखाऊँ कि वो नलका बिल्कुल जो है ना मुकम्मल हो चुका है। इसके लिए जो दवाई ली है ना वो इसका ज़ख़म जो है ना दो बार ही लगाया तो सूख चुका है बिल्कुल। तो उन्होंने कहा था कि ना रेगुलर लगाएंगे, दिन में दो बार लगाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दो दिन जो है ना मैं गाँव में मसरूफ़ रही हूँ, आज जना भी फिर से ये दवा इसको लगाते हैं। फिर क्या कह रही हो दुआ? और रोज ईमान स्कूल जाती, आज नहीं गई क्योंकि रात को फिर से इसको बुखार था, नहीं करो। और आज फिर से ना इसकी तबीयत नहीं ठीक। और अभी जो है ना आया है फहद, डेली आता है और दुआ के साथ खेलता है। अभी जो है ना मैंने झाड़ू घर का लगा दिया, तो बस रूम की सफाई रहती है क्योंकि बाहर जो है ना धूप आ जाती है, फिर मुझसे सफाई नहीं होती, झाड़ू नहीं लगता। अल्हम्दुलिल्लाह इस साइड से मेरी ना सफाई वगैरह झाड़ू वगैरह सब कुछ हो गया, बस वहाँ पर कचरा पड़ा है वो उठाती हूँ क्योंकि यहाँ पर गर्मी थी हो गई है। तो अभी जो है ना रूम की सफाई जो है ना अभी तक भी मेरी नहीं हुई, इसको जो है ना झाड़ू में बाद में लगाऊंगी। ये हाल हुआ अंधेरी का, रात इतनी ज़्यादा अंधेरी थी, ये देखे कचरा रूम के अंदर, ये टोटली जो है इस तरह का हुआ है रात को, इतनी ज़्यादा अंधेरी थी। तो मैं पहले बनाती हूँ नाश्ता मेरे हस्बैंड के लिए, बाद में जो है ना चलो ठीक है नाश्ता बना के उसके बाद जो है ना अंदर रूम की सफाई करूँगी और सफाई मुकम्मल होगी तब मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे। और चूल्हे पर भी झाड़ू वगैरह सब कुछ लगा दिया और यहाँ पर महम जो है ना सालन गर्म कर रही है। तो बस अभी बनाते हैं रोटियाँ और इसमें कचरा वगैरह सब कुछ डाल दिया, आटा जो मैंने गूंद लिया है। और आज माहम भी स्कूल नहीं गई क्योंकि जुम्मा था और जुम्मे को जो है इतनी ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं होती, इसकी भी रात की तबीयत नहीं ठीक। और माशाल्लाह यहाँ पर हमारा नाश्ता आ गया, गुआर का सालन जो रात बनाया, तो हरी मिर्ची मेरे हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, घी में भुनी हुई, और इसमें नमक लगा कर खाएँ, बहुत मज़े की बनती है जो हमारी देसी होती हैं, सर्दियों में ये नहीं होती गर्मियों में आती हैं। और यहाँ पर पराठा बच्चों ने ये बनाया है, बचाया है बल्कि, और यहाँ पर ये भी आ गया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो मेरी तरफ से आज जुम्मा है और पूरी यूट्यूब फैमिली को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। तो आइए भी नाश्ता हमारा लग चुका है, तो आइए नाश्ता करते हैं। लस्सी लाते हैं, लस्सी फ्रिज में बढ़िया, वो भूल रही थी। दुआ आपने नाश्ता कर लिया, पराठा खा लिया अपना, और ईमान आपने भी पराठा खा लिया अपना? चलो अच्छा, अभी तो अभी जय रुखसार लेके आए सबके लिए आइसक्रीम। चलो मुझे एक ईमान को दे दो, दे दो ईमान को, दे भी दो अब ये लो माम, तुम भी ले लो अपनी, और एक मुझे दे दो, और बाकी एक रुखसार की और एक है फौजिया की, और भी ले आओ ना दुआ के लिए और फैमिली के लिए और भी। अबू थैंक यू, आइसक्रीम बहुत मजे की। कैसी है मैम आइसक्रीम? बहुत अच्छी। अभी जो है ना रुखसा लेके आ गए दुआ की भी और अम्मी की भी, सोई हुए दुआ, बस सोने दे दुआ को, जो है ना दुआ उठ गई है। ये लो दुआ आइसक्रीम, ये लो अच्छी है,
तो अभी अम्मी भी उठ रही है तो अम्मी भी खा रही है आइसक्रीम। अम्मी आइसक्रीम कैसी है? अच्छी है लेकिन इसमें टेस्ट नहीं है ऐसा लगता है। पाउडर है, पाउडर है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज है जुमा, यार जुमा नमाज पढ़ने आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक और सबके लिए दुआ मांगना, ठीक है? दुआ मांगना। ऊपर से अंधेरी भी स्टार्ट हो गया। उमर जैसे ही जुमा पढ़ के आया वापस, जो ना घास जो ना बस गांव से ला रहा है, एक चक्कर पहले लाया वो हमने टोका बना दिया, तो अभी जो है ना एक और जो चक्कर है वो लाया है। तो अभी जो ना ऊपर अंधेरी भी स्टार्ट हो रही है और बारिश का पता नहीं कि ये अम्मी उमर बाइक चलाना भी सीख गया ना, है ना ना? आपको भी उठा देते हैं। बस 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 रोक दो, वहाँ पे रोक दो, ये देखो शोर लेने जा रहा है। चलो ठीक है, हाँ जल्दी अंधेरिया नहीं आप नहीं उतर जाओ, नहीं डर लगता है। चलो जाओ 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 उमर, साजिद के लिए मेरे जान है, अम्मी ने पकड़ा हुआ है। रुक, ऐसे ही नहलाया है ना इसके ये भी फाड़ दिया। अम्मी ये देखे मैंने अभी से पहनाया है। क्यों ऐसा करती हो, कपड़े क्यों फाड़ती हो बताओ मुझे? कहती है अच्छा नहीं, मुझे न्यू चाहिए। इसका मतलब ये कि फिर फाड़ दो कपड़े। हाँ। बाल देखो अपने दिखाओ, ये देखो सारी क्या लगाया हुआ है, कुछ नहीं है, कुछ हवा से लेकर नहीं है, हवा से है। कुछ दुआ तो कुछ पढ़ लिया, क्या पढ़ा, क्या पढ़ा बताओ ना? दूध भाग पढ़ लिया। हाँ क्या पढ़ा? लाला किया, दुआ मांगी सबके लिए, क्या मांगा दुआ? क्या मांगा दुआ? तो है तो दुआ होता है। स्काफ तो बहुत प्यारा पहना है, दुआ। स्काफ तो आपने बहुत प्यारा पहना है, किसको दे रही है? सलाम करो सबको, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? आप सबको जुमा मुबारक, जुमा मुबारक। अस्सलाम वालेकुम किया? हाँ नहीं किया। कैसे है माय यूट्यूब फैमिली? अस्सलाम वालेकुम, अदाब करियो, अदाब करियो। पढ़े हो ना? हाँ कितना पढ़ा है? कितना पढ़ा है? बहुत सा। और भी पढ़ो, इधर से उठा लो, और भी पढ़ो, इधर से उठा लो। बोतल गर्म और देखें बारिश भी हो रही है और बादल भी गरज रहे हैं, बारिश हो रही है। और मेरी अम्मी कहती थी कि बारिश जब खमीस और जुम्मे को स्टार्ट हो तो वो रुकती है। माशाल्लाह आज ना हमारा दुरूद पाक जो ना बड़ा पढ़ा जा रहा है, क्योंकि सब जो ना एक साथ हैं यहाँ पर। आज हम सब एक साथ बैठ के दुरूद पढ़ रहे हैं और ख़ास तौर पर जो है ना अम्मी के लिए दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला मेरी अम्मी को सेहत याबी दे। छोटे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तमाम निके छोटे बच्चा दुआ ईमान साथ। तो हम दिल से दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जल्द से जल्द जो है ना सेहत याबी दे। आमीन सुम्मा आमीन। जुम्मा का दिन है और पूरी यूट्यूब फैमिली को हमारी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। और ये बाबरकत और नेक दरूशी पढ़ रहे, बहुत आलमी है दरूशी। और बारिश भी यहाँ पर हो रही है तो ये भी एक खुदा की अल्लाह ताला की रहमत है। तो अल्लाह ताला इन सब चीज़ों के सदके हमारी अम्मी को जल्द से जल्द सेहत याबी दे। आमीन सुम्मा आमीन। आजो आजो आप भी दुरूद पाक पढ़ो, आजो। और हाथ भी आज पूरा दिन ही, अभी इसका भाई है लेने तो ये जा ही नहीं रहा कि बारिश हो रही है। जाना है फात घर में? नहीं फात घर में नहीं। अच्छा अभी जा रहा है। अच्छा वो कह रहा है कि बादल गरजते हैं ये डरता है, सब बंदों के बीच तो बैठा था। चलो बेटा पढ़ो 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 दुआ, चलो पढ़ो बेटा। पढ़ रही हो ना मेरी बच्ची? कितनी प्यारी बच्ची है, दुआ बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह, सबके लिए दुआ मांग रही है। एक अप्लेन दीने के लिए दुआ मांगो, अम्मा जल्दी ठीक हो जाए, अम्मा के लिए दुआ मांगो, दुआ मांगो अल्लाह करो। हाँ और ये देखें भाई दुआ मेरी अम्मा के लिए दुआ मांग रही है, दादी अम्मा के लिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, दुआ मांगो अल्लाह करो। अल्लाह अम्मा को बोलो, अम्मा को बोलो इधर बोलो, अम्मा आप जल्दी ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। आमीन। चलो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, मुंह पे ऐसे ऐसे करो फिर। आमीन। तो इसका अस्सलाम वालेकुम, कैसा सवाल है, क्या छोटी को मैं तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक। अस्सलाम
अभी तो अम्मा के लिए दुआ करो, अम्मा के लिए दुआ मांगो, अम्मा जल्दी ठीक हो जाए, दुआ मांगो। अस्सलाम वालेकुम माई टू फैमिली, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, जान में भी खुश होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है, हमें भी खुश है कि आप सब का बहुत मिली। सारा दुरूद पाक का दुआ पढ़ रही है, माशाल्लाह दादी माँ के लिए दुआ मांग रही है। तो छोटे से दो अल्फाज हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर रहा हूँ। ऐसा मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं। ऐसा मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं। तो पूरी YouTube फैमिली, मैं दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सब से कि मेरी माँ के लिए बहुत सारी दुआएं मांगे कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द जो है वो सेहतयाबी दे। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। इधर आ जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो सारे? दुआ तुम भी करिए साथ में, दुआ इधर देखो क्या कर रही हो। ये क्या है, स्कूल में सिखाते हैं? प्रैक्टिस किस चीज़ की है? ईमान कह रही है ईमान। अच्छा ईमान प्रैक्टिस कर रही हो। दुआ भी करो। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है ना सामान लेके आ गए हैं खाने का, और बच्चों की जिद थी कि आज हमने बनाने हैं चावल और वो भी चिकन वाले, और ये आ गया सामान। अंधेरी से देखें गली में क्या हाल हुआ है, और बारिश से सारा कचरा ही कचरा है। तो अभी जा रहे हैं हम लोग जहाँ पे नलका लगा है वहाँ पर भी। यहाँ पर हमारे हमसाए हैं साकिब भाई, और सुनाए अपने अब्बू का सुनाए कैसी है तबीयत अब्बू? ठीक है ठीक है। चलो माशाल्लाह दवाई ले रहे हैं। चलो माशाल्लाह अल्लाह पाक जो है उनको शिफाए कामला अता फरमाए। हाँ मैं आई थी, रिबा ने बताया था। कहाँ गए थे? जलालपुर। जलालपुर हाँ हाँ। तो क्या कहा डॉक्टर ने? ठीक हो जाएंगे। चलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आप सुनाए आपका चैनल कैसा जा रहा है? ठीक है। चलो माशाल्लाह। और यहाँ पर मगरिब की अजान भी हो रही है, और मुझे अभी घर से निकलने का टाइम मिला है। मवेशियों को पानी वगैरह रख के अब मैं आई हूँ, और ये बेचारे अब जा रहे हैं घर। साथ में थे ना? पता नहीं, पूछते हैं आज इनसे अगर टाइम लगता है तो। माशाल्लाह ये हो गया है बोर, और नलका भी लग गया है माशाल्लाह, क्योंकि दो दिन पहले ये मेरे ख्याल से लगा है ना, परसों लगा है ना। हाँ। तो बुला रहे थे लेकिन मैं आ ही नहीं रही थी, दो बार आया। नहीं नहीं करो, नहीं छोड़ो इसको भी, और इसके नाम की तख्ती भी हट जाओ ना माशाल्लाह। ये रहा इनके नाम का जिन्होंने लगवाया है ना, सवाबे जरिया। अच्छा इल्ताफ हसन शेख फ्रॉम UK। और मेरा इंस्टाग्राम जो है ना फिलहाल नहीं चल रहा, तो उन सिस्टर अगर व्लॉग देख रही होंगे तो उनको पता चल जाएगा कि उनका एक नलका यहाँ पे लगा, एक जो है ना गाँव में लगेगा। और इसको भी सेट होने में ना एक दो दिन और लगेंगे, क्योंकि बादल है और धूप भी नहीं प्रॉपर निकल रही, क्योंकि जैसे इसको छेड़ेंगे ना ये फिर हिल जाएगा और पानी जो है नीचे से नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह यहाँ पर बहुत जल्द मदरसा भी बनेगा, और ये देखें नलके की शुरुआत पानी की जो है ना यहाँ पर सबसे पहले हो गई है। अब जो है उनकी जो भी मुश्किलें हैं वो भी दूर करें, और उन्होंने मुसाफिरों के लिए राहगीरों के लिए और जो है ना पानी का इंतज़ाम किया। अल्लाह पाक करे कि ये उनका सदका है जारिया जो भी है ना, ताकि हमद तक जो है ना ऐसे ही चलता रहे। आप भी आ गई थी, और रुखसार आप भी, और तो आप भी जा रही है। क्या है? रुको रुको मैं आ रही हूँ। कहाँ गई थी तुम? उधर गई थी निकी टिड्डी मेरी, मेरी टिड्डी। अच्छा तो YouTube फैमिली हम लोग जो ना खाना खा चुके हैं। बनाए थे चावल और चिकन आलू वाले चावल बनाए थे फातिमा ने, तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी खा लिया है। और बादल काफ़ी बने हुए हैं, बारिश भी हल्की फुल्की हो रही है। तो बात यही हो रही है कि अभी जो ना जैसे ही मैंने वीडियो डाली है तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट मुझे आ रहे हैं कि जो जिन्होंने खबर दी है वो सऊदी अरब में है, तो डंडों से मारा है, आवाज़ें सुनी गई। मुझे ये बताएं वहाँ पर उनकी बेटी रहती है सलमा, बच्चे हैं छोटे छोटे, कोई इतनी जालिम कैसे हो सकता है?
ये आप खुद सोचें कि वो हमारी बड़ी हैं, माँ हैं हमारी। चाहे चले हम सौतेली औलाद से ही, मैं बहू से ही, जालिम से ही, जो भी सही, लेकिन उसकी सगी बेटी तो वहाँ पर है, उसकी नवासियाँ भी हैं, नवासे भी हैं। क्या वो इस तरह करेंगे अपनी नानी अम्मा के साथ, या फिर सलमा ऐसा कभी कर सकती है कि वो अपनी माँ को जो है ना डंडों से मार पड़वाएगी? कुछ तो खुदा का खौफ करें, कुछ तो खुदा का खौफ करें। सबको जीने का हक है। हमने एक बार आपसे कहा है कि अम्मी जान, अभी अभी मैं छत पे हूँ तो अम्मी से ही बात हो रही थी, अम्मी कह रही थी कि छोड़ें, किसी को जवाब ना दें। तो काफ़ी लोगों ने वीडियो बनाई है कि हाँ लोगों ने ना यहाँ पर जो है ना आपके खिलाफ इतनी इतनी बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो। तो अम्मी भी यही कह रही थी कि आप ना किसी को जवाब ना दें, इंशाल्लाह मैं कल वीडियो बनाऊँगी तो सबको जवाब मिल जाएगा। आज अम्मी से अदना मीर हमजा पर भी गई थी। अम्मी का खुद दिल था कि मुझे हरम जाना है, और सबसे पहले तो यही बातें हमने बताया कि अम्मी जो है ना दिल की बहुत ही, जैसे होता है ना कमज़ोर है, कोई भी मसला हो तो अम्मी डर बहुत जाती है। जब एयरपोर्ट पे पूछताछ हुई, जैसे पूछा उन्होंने, तो अम्मी ना घबरा गई, घबराने की वजह से। और वो अम्मी बता रही थी कि मैं जब एरोप्लेन में थी, जहाज़ में थी, जैसे वहाँ पर एसी चले हुए थे, तो जैसे मैं घर में होती हूँ तो कम्बल ओढ़ लेती हूँ, टांगों पे डाल देती हूँ, तो वहाँ पर कोई कम्बल वगैरह तो नहीं था, तो ब्लैंकेट जो मैं टांगों के ऊपर डालती, तो मैं जैसे एसी पर बैठ रही हूँ तो घुटनों में दर्द हो गया, फिर एयरपोर्ट पर भी एसी थे, फिर घर आ गई। और इस तरह का जो ना वो एसी का मसला है कि ठंडी जो है ना, ठंडी और ठंड और गर्मी की वजह से ना मुझे घुटनों में दर्द है, तो ये चीज़ है। और अम्मी पता है क्या, अम्मी इसलिए रो रही थी, काफ़ी लोगों ने कहा कि अम्मी का जो है ना मुंह इस तरह का था रो रो कर, तो अम्मी रोई इस वजह से थी क्योंकि अम्मी एक दो बार पहले जो है ना एयरपोर्ट से वापस आई थी, और अम्मी अपनी मर्जी से गई। अम्मी कहती हैं कि मैं रोई इस वजह से थी कि भाई मुझे यकीन नहीं था कि मैं फिर वापस आऊँगी सऊदी अरब, मदीना मुनव्वरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आऊँगी, हरम शरीफ आऊँगी, मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आएंगे, वहाँ की अजानें मेरे कानों में गूंजेंगी, वहाँ की गलियों में मैं सफ़र करूँगी, वहाँ से गलियों में गुजरूँगी। इतने साल वो वहाँ पर रही हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर किसी ने दबाव नहीं दिया कि आप, वो अपनी मर्ज़ी से गएंगी, कामना ख़त्म हो और मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ से खुरूज लगा के वापस आऊँ, ताकि मैं हर साल रमज़ान शरीफ में वहाँ जाऊँ। यहाँ पर अगर कहते कि भाई यहाँ से ज़बरदस्ती सितारा ने भेजा, यहाँ से ज़बरदस्ती किसी ने भेजा, अम्मी अपनी मर्ज़ी से गई हैं और खुशी से गई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तो तबीयत भी बेहतर है, बच्चों से बात हुई, मेरे हस्बैंड से हुई, और जब से अम्मी गए हैं मेरे हस्बैंड ने 3-4 बार, जैसे दिन में होता है बात कर लेते हैं, 2 बार आज भी बात हुई है, जुम्मा से पहले भी हुई है, जुम्मा के बाद हुई है, जब मेरे हस्बैंड ने वीडियो बनाई थी उस वक्त भी जो है ना अम्मी से बात करके बाद में बनाई थी कि भाई अम्मी क्या बात है। और मेरे हस्बैंड जो है ना, जैसे काफ़ी लोग कह रहे हैं आप जो रुके गुलाम हो अपनी बीवी की बात मानते हो, यहाँ पर मेरी पूरी फैमिली को पता है, जब मैं शादी करके आई थी तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे 2 बातें कही थी इस घर में। पहली के मेरी अम्मी और जो है ना रुबीना जो नैना की अम्मी है, कि भाई मैं इन दोनों को जो है ना कभी, मैं ऊपर खुदा और नीचे मेरी बहन और माँ है, मैंने इसे कभी सौतेली बहन नहीं समझा, मैंने इसे माँ का दर्जा दिया है, तो तुमने कभी इन दोनों के साथ गलत कुछ नहीं करना। और जब भी मेरे हस्बैंड की उस वक्त जो है ना शॉप थी बाहर, जब भी घर आते खाने के लिए या कुछ के लिए, अम्मी का थोड़ा सा मूड ऑफ होता, या फिर कहीं बाहर जाते घूमने फिरने, जैसे चोलिस्तान हो गया, या कहीं भी जाते, चाहे 1 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए जाएं, घंटे के लिए जाएं, जितने देर के लिए भी बाहर होते और वापस आते, कभी कभार जब देखते कि अम्मी का मूड ख़राब है या फिर उनकी तबीयत ख़राब है, सर में दर्द, तो जो है ना फौरन से ऐसे जैसे कोई घबरा जाता है ना, ऐसे होता कि अम्मी आपको क्या हुआ है, अम्मी आपको क्या हुआ है, आपको किसी ने कुछ कहा है? लेकिन अम्मी कहती नहीं, मेरे सर में दर्द है, या जैसे कुछ होता है सर में दर्द अचानक हो जाता है, या फिर कोई भी ऐसी वजह होती घर में, कोई परेशानी होती, तो वो बस ये शुरू से कहते थे कि मेरी ना अम्मी को कोई किसी बात की तकलीफ ना हो घर में, बस ये चीज़ थी। बाकी यहाँ पर मेरी पूरी फैमिली जानती है कि मेरे हस्बैंड जो है अपनी माँ की कितनी ज़्यादा कदर करते हैं, वो सबको पता है, तो मेरी कितनी मानते हैं वो भी सबको ही पता है कि मेरी जितनी इस घर में मानी जाती है, सुनी जाती है, जो कह रहे हैं कि जो रुके गुलाम हो, मेरे हस्बैंड को भी अब गालियाँ दी जा रही हैं इस तरह की, तो हाँ आप मुझे गालियाँ दें, तो मैंने तो कभी नहीं कहा कि हाँ कभी मुझे
जितनी भी गालियां दिल खोल के करने हैं आप करें, बाकी इस तरह की मेरी अम्मी के खिलाफ बातें ना करें, ना ही मेरे हस्बैंड के खिलाफ कि आप मिले हुए हो और मेरे अब्बू की हालत देखें, वो किसी को मार सकते हैं। तो पता नहीं किस तरह आप बैठ कर सोच लेते हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया, एक हर किसी की बस अपनी सोच की बात है, बाकी अल्लाह देखने वाला है, अल्लाह जानने वाला है, अल्लाह बेहतर करने वाला है इंशाल्लाह, अल्लाह पाक जना सब बेहतर करेंगे। इस तरह कमेंट आप ना करें किसी का दिल जो है ना, बाकी सितारा रोई है तो अम्मी के जाने की वजह से रोई है, और घर में थोड़ी सी जैसे होती है एक बड़ा चला जाता है तो परेशानी आती है, फिर अम्मी सऊदी अरब चली गई, साजिद भाई पंजाब आ गए तो एकदम से घर जो है ना खाली हुआ है, तो जाहिर सी बात है अम्मी चली गई और अम्मी के जाने का उसको ज़्यादा दुख है कि भाई मेरी अम्मी चली गई हैं, घर में बड़ी थी वो बाहर जाती थी और हर वक्त अम्मी के साथ बात करना और जब उसका रूम उसको खाली मिलता है वो ये चीज़ें ना नोट करते हैं। जैसे अब्बू अम्मी और सितारा यहाँ पर आए सर्दियों में, उसके बाद चले गए तो मैं अब्बू के घर पता नहीं 15 दिन बाद गई हूँ या 8 दिन 10 दिन बाद गई हूँ, ऐसे लगता है जैसे मैं किसी वीरान घर में आ गई हूँ। जब वो थे वहाँ पर कितनी रौनक थी, अभी मैं जब भी जाऊँ तो ऐसे लगता है कि घर वीरान है, मैं जाती भी नहीं। तो अब्बू और अम्मी थे वहाँ पर तो दिन में 10 चक्कर भी लग जाते थे, सारा सारा दिन उधर गुजर जाता था। तो यही बात थी सितारा, इस वजह से रोई। यहाँ पर काफ़ी लोग ये करें कि सितारा को किसी ने कहा कि आपकी अम्मी को मारा गया है, वो आपके साथ थी, ये इतनी बातें बढ़ा चढ़ा के सितारा के साथ रहने की उसको सज़ा मिली कि आप इतने दिन सितारा के क्यों साथ रही हैं, सलमा ने उसको मारा, असगर ने उसको मारा और मेरे अब्बू ने मारा उसको। भाई खुदा का खौफ करें, किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाएं। सलमा जितनी भी गिर जाए अपनी माँ के ऊपर हाथ तो कभी नहीं उठाएगी, कोई भी औलाद जो है ना अपनी माँ बाप के ऊपर हाथ नहीं उठाता, तो कुछ तो खुदा का खौफ करें। बाकी अल्लाह बेहतर जानने वाला है, अल्लाह जो है ना सबको हिदायत दे कि इस तरह की गलत सोच रखने वाले भी इस दुनिया में हैं, तो अल्लाह पाक उनको हिदायत दे कि वो ऐसी बातें ना करें। बाकी इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आप देख लीजिएगा कि अम्मी की तबीयत कैसी है सब कुछ। अभी जो है ना काफ़ी सारे लोग हमारे अपने भी हैं जो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हाँ वाकई कुछ हुआ है, तो अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे। तो और भाई कुछ भी नहीं कह सकते हम, जिस तरह जैसे ना लोग बोलते हैं ना कि जितने मुंह उतनी बातें, तो फिलहाल जो है ना आज पूरा दिन ऐसा ही गुजरा है, जितने मुंह उतनी बातें, हम अब्बू का जब से व्लॉग आया है। और बाकी यहाँ पर मेरे अब्बू को इतनी ज़्यादा जो है ना ट्रोल किया जा रहा था कि हाँ जब वो एयरपोर्ट पर गए तो दिखा रहे थे बार बार गाड़ी को कि यहाँ पर कोई नहीं आया, मैं अकेला आया हूँ, ये हो गया वो, तो वाकई मेरे अब्बू अकेले गए थे और अम्मी को लेकर आए, घर में किसी को नहीं बताया। और अब्बू और अम्मी जो है ना मैंने बताया, जैसे मेरे कज़न का होटल है वहाँ पर हरम के बिल्कुल ही नज़दीक, तो अम्मी ने कहा कि हम लोग वहाँ पर रहेंगे और साथ में जो है ना मैं नमाज भी पढ़ लूँगी। और जैसे वहाँ पर गए होटल पर पहुँचे, सिर्फ जन्नतुल बकिया गए और बाहर से सलाम किया है कि भाई नमाज का जैसे टाइम होता है नहीं था उस वक्त, तो अम्मी ने कहा कि नहीं हम लोग सुबह की नमाज पढ़ेंगे। लेकिन अम्मी की रात को तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और फ़ोन भी मुझे किया था कि भाई टांग में इतना ज़्यादा दर्द है, मैंने अम्मी से यही कहा था कि आप दुपट्टा जो है ना टाइट करके बांध लें टांग के ऊपर लपेट कर, तो अम्मी ने कहा कि नहीं वो भी किया है लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ मेरी टांग में काफ़ी ज़्यादा दर्द है। तो तेल का कहा कि आप तेल की मालिश करके ना जैतून के तेल की फिर ऊपर ना दुपट्टा बांध दें या गर्म पट्टी बांध दें। तो अम्मी काफ़ी दर्द वजह से परेशान थी और बाकी वहां जाने की खुशी से उनके आंसू थे कि भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद नबवी पहुंच गई हूं, रोजा रसूलुल्लाह में हाजिरी हो गई है। तो इस वजह से खुशी की वजह से अम्मी रो रही थी, बाकी अम्मी के ऊपर जो है ना हम लोग तो ऐसा सोच भी नहीं सकते जिस तरह की आप बातें बना के मन घनत कहानियां बना के। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने क्लियर भी किया लेकिन फिर भी उनको भी झूठा साबित किया जा रहा है मेरे हस्बैंड को कि ये तो बीवी का गुलाम है, जोरू का गुलाम है, ये अपनी बीवी की बात मानता है। पता नहीं किस तरह के भाई आप लोग कमेंट करते हैं, तो अल्लाह हिदायत दे आपको। बाकी सब रिश्ते एक तरफ लेकिन माँ का रिश्ता एक तरफ होता है, ठीक है। तो अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह कभी इस तरह की नौबत नहीं आएगी कि अम्मी के ऊपर भी कोई सोच करने का, तो दूर यहाँ पर दूर दूर सोच भी कोई नहीं सकता कि इस तरह अम्मी के साथ कभी होगा,
क्योंकि अम्मी की अपनी माशाल्लाह इतनी सारी औलादे हैं, उसको देखभाल करने वाले हैं, और यहाँ पर पूरी यूट्यूब फैमिली आप भी हैं, अम्मी का साथ देने वाले, अम्मी के लिए दुआएं करने वाले हैं अच्छी अच्छी। तो बस मजीद और जो है ना सितारा को परेशान ना करें। और हाँ, सितारा की भी बात हो रही है, तो सितारा को पता है कि अम्मी जो है ना खुश हैं, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अम्मी वहाँ पर खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात नहीं है, बस दर्द की वजह थी। और बाकी जो है ना इंशाल्लाह अम्मी और अबू अब साथ ही आएंगे, और बस कुछ दिनों तक वापस भी आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह वो भी आपको क्लियर करेंगे कि वो कब वापस आएंगे। और जो है ना बाकी अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक पढ़ा बच्चों ने, तो अम्मी अम्मा के लिए भी दुआ की, अबू के लिए, सब के लिए दुआ की, और पूरी यूट्यूब फैमिली के लिए दुआ की कि अल्लाह पाक जो है ना सबको, जिसकी भी जो भी परेशानी है वो भी दूर करे, जिसके जो भी मसाला अल्लाह पाक दूर करे, जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे। माशाल्लाह आज मेरे हस्बैंड ने दुरूद पाक पढ़ा, और उमर फारूक ने भी दुरूद पाक पढ़ा, बच्चों ने पढ़ा, तो दुआ ने काफ़ी सारी दुआएं मांगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों ने, बच्चे जो है ना माशाल्लाह बच्चों की जो ना अल्लाह पाक बहुत जल्दी सुनता है। और बस, और यहाँ पर ये दुरूद पाक का सिलसिला आज से नहीं शुरू हमारे घर में, तकरीबन 2-3 साल पहले की बात है, जब अब्बू और अम्मी परेशान थे पहले ही कामे के लिए कि नहीं बन रहा था, तब से जो है ना हमें किसी ने बताया था कि जो अपना दुरूद पाक जो है ना पढ़ें आप, मान लें 7 जुमे, कि अगर कोई भी आप सब में यूट्यूब फैमिली, अगर आपके घर में कोई भी परेशानी है, कोई भी मसला है, या फिर कारोबार का मसला है, या कोई भी मसला है, तो आप जो है ना अहद कर लें कि हमने जो है ना 7 जुमे, कोई 5 मानता है, कोई 7 मानता है, लेकिन हमें ना पहले किसी ने 5 बताया था, तो तब भी अम्मी का इकामा नहीं बना था, अबू का नहीं बना था, फिर हमें किसी ने बताया कि आप 7 जुमे पढ़ें दुरूद पाक, तो फिर हमने 7 जुमे, फिर जो है ना बच्चियां मेरी भी बड़ी थी, जैसे अरीबा आ जाती थी हम थे, और वो बच्चियां भी पढ़ लेती थी, तो फिर मुझे किसी ने बताया कि नहीं आप बच्चियों से ही पढ़वाएं दुरूद पाक, आपकी अपनी ही बच्चियां, आप ज़रूरी थोड़ी आप तालबों को बुलाएं यहाँ पर, अब जो बनाएं जैसे खाना हम लोग बनाते थे, तो अब वो मस्जिद में भेज दिया करें, और तो दुरूद पाक आपकी बच्चियां पढ़े। तो तब से जो है ना फिर हमने जैसे ही माशाल्लाह 6ठा दुरूद पाक पढ़ा, उसके बाद जो अम्मी और अब्बू की कॉल आई कि भाई हमारा इकामा बन गया है, तो खुशी हुई बहुत ज़्यादा, फिर बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक ने सुन ली बच्चों की भी, अम्मी और अब्बू की भी, और इकामा उनका बन गया। फिर हमारे घर का जैसे भी कोई भी हालात हो, तो हमने जो ना अब अहद बना लिया कि हर जुम्मा जो है ना हमने दुरूद पाक पढ़ना है, और इंशाल्लाह दुरूद पाक जो है ना बच्चों ने भी वो जैसे होता है ना एक विर्द बना लिया कि भाई हाँ रूटीन है कि भाई ये जुम्मे को जो है ना सबको पता है कि दुरूद पाक पढ़ना है, और इंशाल्लाह ता जिंदगी तक जो है ना दुआ करें कि हमारे घर में दुरूद पाक पढ़ा जाए, और इसकी बरकत से जो है ना हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा बरकत है, और मेरी बच्चियाँ जो है ना अल्लाह पाक जो है ना इनके नेक नसीब करें, मेरी बच्चियों के, मेरे बेटे के। काफ़ी लोग कहते हैं आप बेटे का नाम नहीं लेते, जी मैं लेती हूँ बेटे का नाम, बस क्या है कि बच्चियों का नाम पता नहीं क्यों मेरे दिल पे जो है ना जैसे लगा हुआ है, और बेटे का नाम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक मेरे बेटे को लंबी ज़िंदगी करे, लंबी उम्र करे, मेरे बेटे को दुनिया जान की सारी खुशियाँ मिले। तो किसको औलाद प्यारी नहीं होती ये बताएं आप। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि ये आपका सौतेला बेटा है, तो काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि जैसे रुखसाना का कि रुखसाना आपकी सौतेली बेटी है, और पता नहीं किस तरह की समझ है, कभी व्लॉग में बच्चे आते हैं कभी नहीं आते, अब सुबह जैसे उनका डेली का स्कूल है वो चले जाते हैं मेरे साथ जो है ना सलाम करके, मैं कभी नाश्ता बना रही थी उनके लिए, कभी ईमान को स्कूल की तैयारी करवा रही थी, कभी जल्दी जल्दी होता है टाइम उनका बिल्कुल पूरा सारा होता है, मेरे हस्बैंड सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, नमाज़ पढ़ के फ़ौरन से उनको चाय बनाकर देनी होती है, फिर वो चले जाते हैं, मवेशियों की देखभाल जो है ना मुझे करनी होती है, तो काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकती। तो बस बच्चे जो है ना माशाल्लाह सभी जो है ना माँ बाप के लिए एक से बढ़कर दूसरा होता है, ये नहीं कोई एक है, तो कोई सगा है सौतेला है, यहाँ पर मेरे अपने ही बच्चे हैं, मेरे अपने ही बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब थोड़ा सा सोच लिया करेंगे, बच्चों का माइंड कभी कैसा होता है, कभी कैसा होता है, कभी वीडियो बनाने का होता है, कभी नहीं होता। अब ये चिद्दी सी दुआ है ना, ये भी मुझे कहती है कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी मम्मा, जब भी इसको कुछ होता है ना तो कभी किसी चीज़ की जिद कहती है मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी अम्मी, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, ऐसे बोलती है ये भी। तो बच्चों का ना जो है ना अपना ही होता है, और ईमान की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब रही है, तो 2-3 दिन से वो भी इतनी ज़्यादा जो है ना एक्टिव नहीं है, तो दुआ करेंगे वो भी ठीक हो जाए, क्योंकि उसको मोशन और उल्टियाँ जो थी ना, बस उससे उसके जिस्म का ना सारा उसने पानी ही निचोड़ दिया है बच्ची का, अब उसकी आंखें जो ना मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हुई है ना जिस्म भी, और आंखों से ऐसे लगता है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है
दुआ, दुआ और ईमान। तो अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह रहमत करेगा। बस अपनी दुआ में याद रखें, बाकी इस तरह के नेगेटिव ना सोचें और ना ही किसी को समझें। सब अपने दिल अच्छा, बाकी जो है ना एक बड़ों की मिसाल है कि जैसा इंसान खुद होता है ना वो दूसरों को वैसा ही समझता है। तो यहाँ पर ये दुनिया ऐसी है कि इनको जितना भी आप यकीन दिलाओगे ना, कोई आपकी बात पर यकीन नहीं करेगा। आप चीख चीख कर सर पटक पटक कर मर भी जाओ ना, तो कोई आपकी बात के ऊपर यकीन नहीं करता। और यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो इतने अजीब से कमेंट करते हैं, कुछ समझ नहीं आती कि वो लोग इस तरह की सोच भी रखते हैं। तो हर किसी का अपना दिमाग है, अपनी सोच है। काफ़ी लोग ये भी, जैसे हमारे बड़े थे वो कहते थे कि अपने अंदर झांक कर देखें, जिस तरह आप खुद होंगे ना आप दूसरों को वैसे ही समझेंगे। अगर आपकी फीलिंग अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, तो आपको पूरी दुनिया जहान जो है ना बहुत अच्छी लगेगी कि हाँ भाई ये बंदे, आपको गंदा बंदा भी होगा ना वो भी अच्छा ही लगेगा आपकी सोच के मुताबिक। अगर आपकी फीलिंग बहुत ख़राब है, आपको सब आप खुद अंदर से गंदे हैं, तो आप दूसरों को कहेंगे कि ये भी बहुत गंदा है, ये इस तरह की पूरी दुनिया ख़राब है, बस मैं ठीक हूँ, इस तरह कहेंगे। तो बस हर किसी की अपनी नज़र है, अपनी सोच है, अपना दिमाग है। और बाकी जो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। और अपनी बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। तो अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा, और हमारी पूरी फैमिली जो है ना आपकी बहुत शुक्रगुजार है। और जुम्मा के दिन जो है ना ख़ास तर मेरी बेटियां जो है पूरी यूट्यूब फैमिली के लिए दुआ करती हैं, चाहे हमारे देखने वाले हैं नहीं देखने वाले, हमें पसंद करने वाले हैं नहीं पसंद करने वाले, तब भी हमने सबके लिए दुआएँ मांगनी है। अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ मुश्किलें दूर करे, अल्लाह पाक सबको अपने घर में खुश रखे। आज बारिश थी माशाल्लाह, बच्चों ने दुरूद पाक पढ़ा और साथ साथ दुआ मांगी, तो बारिश में आपको पता है, और ऊपर से अल्लाह पाक का दुरूद पाक पढ़ा जा रहा हो, बारिश हो रही हो रहमत की, और साथ में बच्चियां दुआ मांग रही हैं, तो अल्लाह पाक ज़रूर सुनता है, ज़रूर कबूल करता है। तो इंशाल्लाह पूरी यूट्यूब फैमिली हमारी फैमिली के लिए भी दुआ करें, और इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। और अल्लाह हाफिज़। अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिए, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।